हाय एवरीवन, अगर आपको भी इस तरह की क्रंची आलू चिप्स बनाने हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगी कैसे आप लोग भी बाजार जैसे क्रिस्पी आलू के चिप्स घर पे ही बना सकते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 6 आलू और इसे पहले अच्छे से साफ धोना है। धोने के बाद इन आलूओं को हम पीलर से छील लेंगे। आपको आलू लेते समय ये ध्यान रखना है कि आलू सख्त हो और नए हो, जिनकी स्किन पतली होती है, क्योंकि इन आलूओं में स्टार्च की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से चिप्स लाल नहीं होंगे। सभी आलूओं को छीलने के बाद हम इसे कपड़े से साफ पोंछ लेंगे ताकि इसके ऊपर का पानी अच्छे से निकल जाए। अब इन आलूओं को ग्रेटर की मदद से पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। इस तरह की पतली और ट्रांसपेरेंट स्लाइसेस होनी चाहिए। अब इन स्लाइसेस को 10 से 15 मिनट के लिए सूखने के लिए रख देंगे, जब तक कि इसका मॉइस्चर सूख ना जाए। अगर आपको वेट नहीं करना है तो आप टॉवल की मदद से इसका मॉइस्चर निकाल सकते हैं या पोंछ सकते हैं। आधे घंटे के बाद चिप्स तलने के लिए रेडी हैं। अब हमने गैस की हाई फ्लेम पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब ऑयल गर्म हो चुका है, चिप्स को बैचेस में तल लेते हैं। तलते समय हमें गैस की फ्लेम कम नहीं करनी है। अगर तेल ठंडा हो गया तो चिप्स तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे और नरम भी होंगे। देखिए, इस तरह से ऑयल में बबल्स आने चाहिए और इसमें अच्छे से चम्मच घुमाते हुए तलेंगे। जब तक कि इसके बबल्स खत्म नहीं होते तब तक हमें इसे तलना है। इसके बबल्स आना बंद हो चुके हैं, अब हमें इसे निकाल लेंगे। देखिए कितने क्रंची बने हैं। इस तरह से बाकी चिप्स को भी तल लेते हैं। अब हम इसके ऊपर नमक या कोई भी पसंदीदा सीजनिंग डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं ये चिप्स, बिल्कुल बाजार जैसे। ट्राई कीजिए रेसिपी और एंजॉय कीजिए इसे लॉकडाउन में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।